दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट वन का चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गया। ओके फ्रेंड, मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 नहीं, आज का आपका लेक्चर नंबर 4 है, सॉरी बाई मिस्टेक 3 हो गया, आप थंबनेल में आपके लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक सॉल्व करने वाले। ओके फ्रेंड, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले दो दो लेक्चर में सॉल्व करके दे दिया हूँ। अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग को सिंपल सिंपल जवाब दे देना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? सो दैट -1 + √3i³ इज अ रियल नंबर। हम लोग को एक यहाँ पे इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? -1 + √3i³ इज अ रियल नंबर। हम लोग को ये शो करना है क्या है? सही में रियल नंबर है कि हम लोग चूतिया बना रहा है महाराष्ट्र बोर्ड कि ये रियल नंबर नहीं है रे बाबा। अपने को बताना है कि रियल नंबर है या नहीं है, तो आओ उसी को प्रूफ करना है हमारा रियल नंबर है या नहीं है। तो आओ हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं। ये हमारी रही नोटबुक, इसी के ऊपर हम लोग करेंगे सॉल्व। तो ओके फ्रेंड, आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हम लोग को क्या करना है? मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बताऊंगा। -1 + √3i³, इसको हम लोग को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस नहीं करना है, हम लोग को पता लगाना है इसका, जो हम लोग का जो सोल्यूशन निकलेगा रियल नंबर है या नहीं है, कि हम लोग को सिर्फ एड़ा बन के पेड़ा खिला रहा है। तो हम लोग पता लगा लेंगे बहुत आसानी से कि कैसे कैसे लगाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। -1 + √3i³। देखो आप लोग क्लास 7th 8th में चीज पढ़े होंगे a + b² a + b³ का फार्मूला क्या होता है। बस उस फार्मूला को यहाँ पे डालो और सॉल्व करो, आपको आंसर नहीं मिल जाएगा। तो क्या हमारा फार्मूला? -1³, इस -1 का क्या होगा? क्यूब होगा। फिर +1 - 1² मल्टीप्लाई बाय √3i प्लस 3 - 1, एक मिनट ऐसे नहीं होगा, 3 - 1 फिर √3i² प्लस √3i³। ये मैंने अभी आप बोलोगे तूने इतना लंबा चौड़ा कैसे लिखा रहता था भाई, इसमें मैंने क्या किया, a + b³ का यहाँ पे फार्मूला लगाया और इतना इसको एक्सपांड कर दिया। ओके, अब आगे क्या देते हैं, इसको सॉल्व करो। हमारा 1³ तो कितना हुआ? -1। 1² 1 1² 1 और 1 × 1 अगर 1 × √3i मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा इसका? अपने को मिलेगा यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस, मिल जाएगा 3√3i। ओके, अब सॉल्व करो। 3 × 1 = 3 अपना यहाँ पे क्या था? स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? 3i² तो हम लोग का 3 × 1 = 3 ए हो गया था -3, इधर 3i² हो गया प्लस, देखो √3i³ है, तो देखो रूट का क्यूब क्या होता है? रूट ही होता है ना रे बाबा। यहाँ पे सिर्फ देखेंगे 3√3i³। समझ में आया? अब आओ नीचे हम लोग बढ़ते हैं। -1 को हम लोग वैसे ही रखें क्या? चलो ना वैसे ही रखते, इसको जाने दो, तो इसको थोड़ा तड़पने दो। ओके, -1 है। ओके, इधर क्या है? 3√3i। अब चलो करो, दे दे देखो 3 × 3 = 9 9 × -1 क्यों? i² हमारा क्या होता है? -1। मैं आप लोग को पहले ही लेक्चर में था बताया i² i³ i4 सब क्या इसकी वैल्यू करके बताया हूँ, आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो जाके देखो वो लेक्चर। फिर प्लस कर देंगे, इसको सॉल्व करो 3√3i³ को, इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 3√3i, अरे i नहीं रहेगा क्योंकि हमारा जो i³ है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा i माइनस से। सॉल्व करो, ये -1 क्या ऐसे ही रहेगा, प्लस प्लस करेंगे क्या? चलो फर्क कर लेते हैं, 3√3i -, प्लस प्लस 9, प्लस माइनस माइनस कितना मतलब 3√3i। सॉल्व करो, 3√3i प्लस माइनस माइनस दोनों तुम्हारा क्या हो गया? कैंसल हो गया। -1 + 9 तो भाई 9 में से एक गया तो 8,
कितना बचा? एट एट बचा, और एट हमारा हमारा बड़ा साइन क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो हमारा पॉजिटिव प्लस एट, हम लोग को क्या मिला, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई होल क्यूब जो है वो हम लोग को एट मिला। तो अब बताओ हमारा जो एट है वो हमारा रियल नंबर है क्या? भाई ऑब्वियसली बात है, हमारा एट जो नंबर है रियल नंबर, तो इतना आप यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। यहाँ पे आप लिखो सो दैट सो माइनस वन प्लस रूट थ्री आई होल क्यूब इज अ रियल नंबर, ऐसा लिख के दिखाने का अपने टीचर को। देखो सर आप बोलते हो ना तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे, देखो अब तुम्हारा बच्चा होशियार हो गया, प्रूफ तो दिया, समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे क्या पूछा है, एवुलेट द फॉलोइंग आई 35, आप लोग को 35 ऊपर का दिख नहीं नहीं रहा, देखो यहाँ पे लिखा है, इधर दिखा नहीं दिखा, जाने दो, मैं आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे, सॉल्व मैं आपको करवाता हूँ वहाँ से, आप देख लो, बहुत ईजी है यार, कुछ भी नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग को क्या दिया, आई 35, इसमें आपको आई 35 पाई की वैल्यू फाइंड आउट, समझो मैं आप लोग को डायरेक्ट करवा रहा हूँ। देखो आई 35 तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, आई 8 आई 3 ऐसा लिखेंगे तो चलेगा क्या? बहुत ऐसे लोग लिखते हैं, मैं बहुत लोग का बुक चेक किया तो देखा उसमें आई पावर 8 और आई पावर 3 लिखा है, ऐसा लिखोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा रे बाबा, चलो ऐसा लिखोगे तो कुछ कंडीशन में चलेगा भी, लेकिन ऐसा नहीं लिखने का। ओके मैं यहाँ जानबूझ के बताया, अब यहाँ देखो आई 35 इज इक्वल टू आई 4 लिखने का, इधर 8 लिखने का, तब चलेगा। देखो 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 हमारा क्या होता होगा 34 35, तो 1 हमारा 4 की जगह आ गया 8, आई क्यूब कितना था, माइनस आई था, देखो इसका हमारा 1 ही रहेगा, अगर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 1, लेकिन 1 माइनस आई, तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस आई, आई 35 हम लोग का जो आंसर आ गया वो माइनस आई आ गया, माइनस आई आ गया। ओके स्क्रीन शॉट चाहिए तो लो, वरना आप मेरे साथ लिख रहे हो तो अच्छी बात। सेकंड क्वेश्चन आप लोग से पूछा है आई 888 सॉल्व कर, तो इसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, आई 4 जा 222। ओके तो हम लोग का आई 4 कितना था 1, अगर आप 1 को 222 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1, आई 888 की हम लोग की जो वैल्यू मिल गई 1 मिल गई। ओके समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। हम लोग आई 3 सॉल्व करें क्या यहाँ पे, बोलो नहीं, यहाँ पे हम लोग बड़े को क्वेश्चन करेंगे, आई 3 को हम लोग फिलहाल में नीचे सॉल्व करते हैं। आई थ्री मतलब क्या क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है आई 93, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो आई लिखने का 4, अभी आप ऐसा नंबर खोजो कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे या तो 93 आ जाए या तो 93 के पास में आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर है? देखो 23 4 जा 92 होता है ना फ्रेंड, हाँ 23 4 जा 92 होता है, लेकिन हमारा ये भी एक काम बताओ, लिखेंगे आई इसका 123 पॉइंट आई इसका रहेगा रे बाबा। अभी देखो 1 को 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, आई सॉल्व करो, आई मिल गया आई 93, इसका फाइनल आंसर है। वैसे स्क्रीन शॉट चाहिए तो लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करते हैं, आई 116 निकालेंगे, बहुत ईजी है, देखो को कैसे आई फोर जा निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा। अगर आप एक काम करो, अगर इस 4 को अगर आप 29 से मल्टीप्लाई करो तो 29 4 जा 116, ओके हमारा 1 आई 4 हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 29, सॉल्व करो तो हम लोग को मिला 1, आई 116 हमें कितना मिला, इक्वल टू 1 मिला। ओके आपको 4 क्वेश्चन में मुझे समझ में आपको समझ में आया होगा भाई। हम लोग पाँचवा क्वेश्चन सर बगल में सॉल्व करते, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5th दिया, तो 5th ने आपको क्या पूछा है, आई 403 पूछा है, सॉल्व करो तो आई 4 जा, अब ऐसा नंबर लोग जो या तो बराबर आ जाए या तो उसके पास में भी रहे तो चलेगा, तो आई 4 जा 100, आई 4 जा अगर हम लोग 100 हारे गया, हाँ करते हैं आई 4 जा 100, तो 100 × 4 = 400 बचा कितना 3, आई 3 इसको जगह रखो 1 पावर 100, आई 3 हमारे पास माइनस आई है, सॉल्व करो तो हमें कितना मिला यहाँ पे, 1 माइनस आई मिलेगा, सॉल्व करो
तो हमें इसका आंसर में मिला माइनस आई आई 403, 403 का हमें आंसर क्या मिला, माइनस आई मिला है। ये इधर रहेगा, सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिक्स में हमें बोला 1/i 58 डिवाइड बाय, सॉल्व करो। कैसे करोगे, बहुत ईजी। आई ऐसे रखो, आई 4 × 14 करो, इधर आई स्क्वायर करो, 14 × 4 = 56 और प्लस 2, 1 रखो, 1/4। अभी आई स्क्वायर हमारा क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 सॉल्व करो, 1 4 बन जा 4, और ये माइनस 1 ऐसे ही रहेगा ना, ये हमारा क्या रहेगा, माइनस 1, लेकिन डॉट में था तो डॉट डॉट में रहेगा 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, लेकिन इधर माइनस है तो इधर भी आ गया माइनस। अगर 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, लेकिन साथ में इधर माइनस भी, तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 1/i 58 की जो वैल्यू मिल गई, माइनस 1 मिल गया। ओके, यहाँ पे इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का चाहिए तो ले लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव आउट करते हैं, तो हम लोग चले जाइए मूव आउट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, कैमरा ब्लर हो रहा है क्या, अब देखते हैं अब साफ है या नहीं, वन सेकेंड, अब ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हमें 5 क्या पूछा, मैं पहले आपको दिखा दूँ टेक्स्ट बुक में। अब पूछा सो दैट, दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, सो दैट 1 + i 10 i + y i 20 + i 30 इज ए रियल नंबर। हम लोग को शो करना भैया रियल नंबर है या नहीं है, हम लोग को यही प्रूफ करना है। ओहो दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पे आपको देखो मैंने एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रखा, क्वेश्चन नंबर 7th, 6 वाले में आपको सॉल्व नहीं कराया 30 + i 40। देखो आप क्या करना, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसका जुगाड़ बता देता हूँ, आप खुद कर लेना। आई 30 वाले को आई 40 की आई 50 आई 60, यहाँ पे आप तीनों की वैल्यू रखो और तीनों की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा 0 मिलेगा। आपको जो इसका आंसर जो मिलेगा, अगर आपका आंसर अगर इसका 0 आता है तो आप समझ लेना आपका सोल्यूशन जो है राइट है, वरना रॉन्ग। एक भाई तुम खुद ट्राई कर लो, एक तुम्हारे लिए होमवर्क भी है, क्योंकि मैं कितना बताऊंगा, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, मैं बताने का सब बता दूंगा, लेकिन तब तक जब तक आप खुद नहीं करोगे, क्योंकि आप अपना पेपर खुद लिखने जाओगे ना कि मैं। ओके, इसी के लिए खुद ट्राई करो। इसमें क्या बोला है, फिफ्थ में सो दैट 1 + i 10 + i 20 + i 30 इज ए रियल। हम लोग को प्रूफ करना है कि जो 1 है और आई 10 आई 2 आई 20 आई 30 को अगर प्लस करेंगे तो हमें कोई रियल नंबर मिलेगा या नहीं, जो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी तो इस पूरे एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन करवाता हूँ, 1 + i 10 + i 20 + i 30, समझ में आया इतना, सॉल्व करते हैं। ये 1 को 1 ऐसे ही रखेंगे, प्लस आई 10 हमारे पास इतना है, आई 10 हमारे पास पता नहीं, देखो 4 × 2 = 8, लेकिन अभी वो 2 कम है तो आई स्क्वायर ले लिए। ओके, फिर यहाँ पर 20 है तो हमने उसको ले लेंगे, i 4 = 20, i 30 का किस तरीके से हम कर सकते हैं, 7 × 4 = 28 होता है ना, तो i 4 × 7 यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आई स्क्वायर। इतना समझ में आपको आया ही होगा, इतना समझ में आपको क्या होगा, आया ही होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे का स्टेप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, ये 1 का जगह 1 रखो, i4 हम आई 4 की वैल्यू का आपको पता ही है, तो हमारा होता है 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हमारा क्या होता है, माइनस 1 होता है, प्लस आई 4 हमारे लिए 1/5 प्लस आई 4 फिर हम लोग के लिए 1 होगा, आई स्क्वायर हमारे लिए होगा माइनस 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में भी माइनस 1 रखो, फिर कहते प्लस इधर भी 1, फिर इधर प्लस इधर भी 1 माइनस 1, कितने बोलोगे कितने थे, 2, 4, 6, 1 आ गए। क्या करेगा रे दादा, कैसे करने का, बहुत इजी है। देखो क्या करने का, हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, देखो ए प्लस में है, ए प्लस में ये क्या है माइनस है, तो इसको काटो, प्लस माइनस ख़त्म, ए प्लस में और एक इसमें माइनस में, तो प्लस माइनस ख़त्म, तो देखो 1 + 1 = 2, हमें क्या मिला, 1 + i 10 + i 20 + i 30 की जो वैल्यू मिली है 2 मिली। पहले चेक करो क्या वैल्यू सही है या रॉन्ग,
इसको चेक करने के लिए आप यहाँ से आपसे क्या पूछा था, इज अ रियल नंबर। तो हमारा जो टू जो हमें मिला है, टू हमारा क्या है, रियल नंबर है, ना कि कोई इमेजिनरी नंबर। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व होता है, स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लो, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। हम लोग सिक्स को सॉल्व करते हैं। सिक्स में दो क्वेश्चन पूछे, दोनों के दोनों में सॉल्व करा कर दूंगा, या तो एक खुद करा देता हूँ, एक आप खुद कर लेना। बहुत सिंपल सिंपल यार, डरो मत। कौन सा कराऊँ, सेकंड या फर्स्ट? चलो फर्स्ट वाला खड़ा होता, सेकंड वाला तो बहुत ईजी, आप खुद कर ले जाओगे। फर्स्ट वाला मैं खड़वा देता हूँ। 60 आई 80 नहीं आई 10 आई 110, इसकी वैल्यू हम लोग को चाहिए। सॉल्व में डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। आई 49 प्लस आई 68 प्लस आई 89 प्लस आई 110 सॉल्व करो। आई 4 जा, अभी आप ऐसा कोई टेबल पढ़ो जो कि या तो मल्टीप्लाई करने पे 49 ना आवे या तो 49 के पास आओ। तो ऐसा कोई है क्या? देखो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 होता है, आप लोग को मालूम है या नहीं? मुझे तो मालूम। देखो 4 इंटू 12 फोर 12 4 48 इंटू माइनस, मतलब आई मतलब क्या हो, 1 होता है। अभी 68 के लिए आई 4, अभी कोई ऐसा टेबल पढ़ो जो उधर भी आ जाए। तो ऐसा कोई टेबल है क्या रे बाबा? एक मिनट को मैं आपको बताता हूँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा टेबल हो गया। देखो 17 4 जा 68 होता है, क्या होता है 17 4 जा 68 होता है, फिर इधर प्लस है तो इधर प्लस करने का आई 4। अब पढ़ो कि 89 आ जाए या तो उसके आसपास आ जाए, ऐसा कोई है? देखो 22 4 जा 88 होता है, कितना लिखो 22 मल्टीप्लाई बाय आई, तब जाके ये होते हैं, प्लस करो। 110 है क्या कोई? आई थिंक 27 जा 4, अगर 24 जा 87 28, तो हमारा कितना है 108। हाँ यहाँ पे हम लोग लिख सकते आई 4 27 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। सॉल्व करो, आई 4 के वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, ना फ्रेंड 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, फिर डॉट आई को हम लोग क्या करेंगे, डॉट आई रहने दें। हाँ, तो डॉट आई रहने देते हैं। आई 4 का 1 है तो 1 पावर 7 प्लस आई 4 का 1, 1 का तो 22, डॉट आई इधर इसको दिखा देता। अभी ये देखो आई 4 1 दिया है मल्टीप्लाई बाय 27, आई स्क्वायर माइनस 1 दिया है। सॉल्व करो, 12 1 जा 1, अभी डॉट आई कहाँ भेजो यार? अभी ये क्या होगा, ये जो 1 है आई के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होने के कारण हमें मिलेगा आंसर इसका 1 आई। ओके, समझ में आया? प्लस 7 1 जा 7, तो हमें मिला 1, फिर प्लस आई 22 मल्टीप्लाई बाय आई, तो हमें कितना मिला 1 आई, फिर तो माइनस हमें दिया तो -1 आई, -1 ही आई होगा ना रे बाबा? नहीं देखो -1 इसमें आई नहीं आएगा, देखो एक मिनट, -1 आई। हाँ, इस तरीके से आपका कुछ हुआ। देखो देखो 1 प्लस में इधर माइनस में, तो हमारे 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस 1 2 आई। अभी किसका बचा, आई 49 प्लस आई 68 प्लस आई 89 प्लस आई 110, ये आपका क्या होता है, फाइनल सोल्यूशन। स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लियोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी सेकंड क्वेश्चन में मैं सॉल्व करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन वैसे बहुत छोटा सा, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं फिर भी आपको करवाई देता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड में आपसे क्या पूछा है, आई दिख रहा है कि नहीं? नहीं नहीं ना, आई आई प्लस 2 आई प्लस 3 आई प्लस 4 ना, आओ हम उसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4। आई का हमारे पास कुछ भी वैल्यू है क्या? आई का हमारे पास कुछ भी वैल्यू है तो आई होता है, आई स्क्वायर हमारा -1 होता है, आई क्यू हमारा -i होता है, आई 4 हमारा +1 होता है। सॉल्व करो, 1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -i प्लस 1। देखो आई प्लस मतलब इधर आई माइनस, मतलब एक कैंसिल, -1 इधर इधर प्लस 1, ये भी क्या हो गया कैंसिल, हमें मिला 0। आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई 4 जो हमें मिला इसका आंसर 0 मिला है। ओके, स्क्रीन शॉट चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व करके दिया हूँ। स्क्रीन शॉट लो, तब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव आउट करता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। हम लोग उसमें सारे तरह मूव आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इतने में सॉल्व कर लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग से क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई फोर आई प्लस आई सिक्स प्लस आई एट डॉट डॉट आई 20। हमें वैल्यू फाइंड करना है, बहुत ईजी है। अगर आप समझ 3, 4, 5, 6 जो मैं आपको बताया, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो अभी आप मोबाइल करो बंद, अगर ध्यान से देखे होंगे तो, और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। अगर कुछ डाउट होगा तब मोबाइल को टच करना, वरना मत करना। 7 क्वेश्चन चले क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसके आगे उसकी वैल्यू लिखेंगे, बस खत्म कहानी। तो आओ लिख लेते हैं, टाइम पास भी हम लोग कर रहे हैं भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आओ तो हमें दिया क्या, 1 प्लस, मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन बताऊँ, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स प्लस आई एट। अभी बोलोगे आई एट दिया, आई प्लस 10, बोलो को 10 तो आप भाई उसमें दिया नहीं, तो भाई इसमें देखो ना एक हमें लिमिट दिया आई 20, तो भाई इसके बीच में हमारा दो दो का क्या है गैप है। तो आई 10 प्लस आई 12 प्लस आई 14 प्लस आई 16 प्लस आई 18 प्लस आई 20। अब सॉल्व करो, 1 तो वैसे ही रहेगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 1, आई 4 हमारे पास है 1, आई 6 का अता पता नहीं, आई 6 के क्या नहीं है अता पता नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखो एक काम करते, आई 4 आई 4 बन जा डॉट आई स्क्वायर, फिर प्लस आई 8 भी हमारा 1 ही होगा, अब 1 2 जाए तो देखो, अब 4 2 जाए 8, तो इसके हम लोग यहाँ पर डायस को यहाँ पर हमने शॉर्टकट कर दिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आई 4 2 जाए करेंगे ना, आई 4 4 4 2 जाए 8 इधर डॉट आई स्क्वायर दे दे देंगे, प्लस आई 12 भी हमारा 1 हो जाएगा, आई 12 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस प्लस तो हो गया ना आई 4 × 3 आई स्क्वायर। सॉल्व करो, आई 16 भी हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का पावर 16, प्लस करो आई 18 तो 1 नहीं होता, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 4 16 जरूर होता है डॉट आई स्क्वायर, देखो 4 4 16 प्लस 2 18 होता है, प्लस सॉल्व करो आई 20 हमारा होता है 1 × 5। सॉल्व करो, 1 है आप ऐसे रखो, ए प्लस ऐसे रखो, माइनस 1 भी ऐसे रखो, प्लस 1 प्लस आई 4 हमारे पास कितना है 1 है, आई स्क्वायर हमारे पास क्या है माइनस 1 है। सॉल्व करो, हमारा 1 × 2 तो 1 प्लस ए हमारा कितना होगा 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस ए बी 1 प्लस आई 4 हमारे यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1, इधर आई 16 में तो 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस 1 माइनस आई प्लस 1, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके आप लोग बोलोगे साला इसमें कितना कितना 1 है रे बाबा, 1 देख के तो मेरा दिमाग खसक गया हो, तो ना खसका ना, कोई बात नहीं मैं आपको ठंडा कर देता हूँ। प्लस माइनस आंसर बोलेगा दादा यही करना था क्या, अरे हाँ रे बाबा यही करना था, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, दोनों कैंसिल होगा क्या, क्योंकि हम लोग पीछे से इसको को करते हैं ना, देखो 1 − 1 ही होता है ना, से प्लस माइनस था तो हमारा ये 1 इधर 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 होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस तो ये हमारा पूरा हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ये भी ख़त्म, प्लस माइनस ए भी ख़त्म, प्लस माइनस ए भी ख़त्म, बचा बचा क्या सिर्फ 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 1। हमें जो इसकी जो वैल्यू मिली है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई 4 प्लस आई 6 प्लस आई 8 प्लस डॉट डॉट आई 20 तक, इसका जो हमें आंसर मिला है सिर्फ 1 मिला है। ओके स्क्रीन शॉट चाहिए इतने का तो ले लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे फ्रेंड। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना जरूर, मैं रिप्लाई देने की कोशिश 100% करूंगा। ओके फ्रेंड, अब आपके इस एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसको हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।